it's like going in a direction of like work and mental health together. So Right. basically, positive relationships at work, like how do they affect mental health? See, that's like the kind of question that comes in our mind जब हम ये सोचते हैं कि अच्छा, it's like too much on my plate और मैं किसी और की नहीं help कर सकता. Technically, it's your own mental health at stake. So how do you address that with in relation with like positive relationships at work? I would say that जो आपका चीज़ें जब हम किसी चेंज बिहेवियरल चेंज के ऊपर बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में या पर्सनल लेवल पर, तो एक चीज़ है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में ये है कि कुछ लोगों की फिलॉसफी ऑफ लाइफ ये है कि जो चेंज है वो जो है वो सारे का सारा चेंज मैं खुद मेरे अंदर से ड्राइव होगा और मुझे जो है वो एक्शन लेना है, वेट नहीं करना कि जब तक कोई एक्सटर्नल हैंड या कल्चर या लीडर या ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो आकर नई पॉलिसी बनाए. वो अपने एंड पर अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो करता रहता है और अपने कॉलीग्स के साथ एक रिस्पेक्टफुल एक एप्रिसिएटिव रैपो बना के रखता है. दूसरे लोग जो ये समझते हैं जिनका ताल्लुक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ है, उन्हें लगता है कि हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. लोग एक्चुअली जो है वो नेगेटिव होते हैं और उनका जो उनकी एक मेलाफाइड इंटेंशन होती है और वो किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करनी चाहिए, किसी का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर लोगों की आदत खराब हो जाती है और वो फिर रोज अपना काम आपकी डेस्क पर भेज देंगे. सो ऐसे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली ब्लेम गेम करके सिर्फ अपनी नेक को सेव करके रखते हैं, जो कि उनको काम या टास्क अकम्प्लिश करने में तो हेल्प करता है लेकिन वो फ्लरिश नहीं कर सकते. फ्लरिश करने के लिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत है. जो इंसान की नीड और डिज़ायर फॉर ह्यूमन कनेक्शन है ना, वो इंसान की बड़ी बेसिक बुनियादी ज़रूरत है. तो मैं फ्लरिश करने के लिए जो है वो एक वन मैन आर्मी लेकर नहीं जाऊँगी. मुझे टीम की सूरत में पीछे एक सपोर्ट होना चाहिए जिसमें जो भी गलती होगी वो टीम की गलती होगी, जो भी अचीवमेंट होगी वो टीम की अचीवमेंट होगी और उसी में इंसान का जो जितने भी एम्प्लॉयज इस टीम में बनकर काम कर रहे होते हैं उनका लेवल ऑफ स्ट्रेस, उनका लेवल ऑफ उनके कोपिंग मैकेनिज्म्स बड़े प्रोडक्टिव होते हैं और उनको जो है वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी रहती है कि आई एम नॉट अलोन. आप अगर एडवर्सिटी और डिप्रेशन को देखें, सिंस आई हैव बीन कोचिंग एज वेल, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी एडवर्सिटी को आइसोलेशन और फीलिंग अलोन के साथ अटैच करते हैं. तो जिन लोगों की अपनी वर्क प्लेस पर हेल्दी रिलेशनशिप होते हैं जहाँ से वो एक ट्रस्टवर्दी और एक लॉयल एक कॉन्फिडेंट की रिलेशनशिप इंजॉय करते हैं, उनकी मेंटल स्टेट या उनके लेवल ऑफ स्ट्रेस भी जो है वो ज़्यादा रेगुलेटेड रहते हैं. द क्वेश्चन इज के आई वॉन्ट दैट यू टीच अस हाउ टू सपोर्ट दीज पीपल एंड अदरवाइज कंटिन्यू बीइंग पॉजिटिव. वो लोग जो कि एडवांटेज लेते हैं बाय कीपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, उसको हैंडल कैसे किया जाए. यू नो वन बैड एक्सपीरियंस विल शेटर अ पॉजिटिव पर्सन एंड ओनली टीच हिम टू बी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट बिकॉज दैट्स हाउ थिंग्स आर डन इन द वर्क प्लेस. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन. आई वुड से, जैसे मैंने आई थिंक किसी हद तक अभी पहले भी इस बात का जवाब दिया है कि जो आपकी अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं. अगर तो हर जो भी नया ऑर्गेनाइजेशन में नया बंदा आता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है लोगों को रीड करने के लिए कि हर बंदे का वर्क एथिक क्या है, उसकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, उसे क्या चीज़ पसंद आती है, वो क्या चीज़ें जो है वो डिसमिस करता है या इग्नोर करता है या वो क्या चीज़ों पर रिएक्ट करता है. तो आप ये देखेंगी कि बहुत सारे लोगों के साथ आप बहुत साल काम करते रहते हैं बट आपको उनकी एक्चुअल सेल्फ का के बारे में कुछ पता नहीं होता. रेप्यूटेशन एक चीज़ है जो कि आपके साथ रहती है, चाहे आप जितना मर्जी उसको वो कर लें, शुगर कोटेड कर लें या उसको मास्क कर लें, किसी हद तक जो आपकी पर्सनालिटी है वो बाहर डिस्प्ले हो ही जाती है। सो आप अगर ये कहते हैं कि मेरे साथ जो लोग बुरा कर रहे हैं मैं उससे कैसे बच सकती हूँ, आई वुड से कि आप लोगों को रिस्पेक्ट देना और अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देना अगर आपका जो है वो एक वर्क एथिक बन जाए जिसमें आप अपने जूनियर सीनियर सबॉर्डिनेट आपके कोवर्कर्स आपके बॉस सबके साथ आपका एक डमीनर जो है वो रिस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है और दूसरा कि आप एक फेयर इंसान यानी वो इंसान काम करने वाला है ना, उसे बूट लिकिंग की जरूरत नहीं है, उसे किसी की जो है वो लेग पुलिंग की जरूरत नहीं है। आपका अगर फोकस कॉम्पिटेंस है और उस कॉम्पिटेंस के साथ आप पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ उसको मर्ज कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरे लोग जो आपका एडवांटेज ले रहे हैं वो बहुत अरसे तक आपकी इस पर्सनालिटी को समझ नहीं पाएंगे। सो जहां आपको लगता है कि मैंने नो कहना है और अपनी बाउंड्री सेट करनी है क्योंकि लोग आपका एडवांटेज ले रहे हैं तो वो भी आप उतने ही डिसेंट तरीके से जो है वो अपने आप को एक्सक्यूज कर सकते हैं या अपने आप को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरा शख्स जो है वो आपकी स्पेस में इंटरवीन कर रहा है।